हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रेडमी पैड प्रो 5G के बारे में बताने वाला हूं, जो इंडिया में जो है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और ये जो पैड है वो अंडर 25,000 रुपीज़ जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है। और इस पैड में जो है वो कुछ जो है वो स्पेसिफिकेशन जो है वो टीज कर आ गए हैं इसके वेबसाइट पे, जिसके बारे में आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो गाइस, वो क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। तो Redmi Pad Pro में आपको पिछले बार से जो है वो बड़ा डिस्प्ले इस बार दिया गया है, 12.1 इंच का 2.5K डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो गेमिंग वगैरह आप काफ़ी अच्छे से इस पैड में कर सकते हैं। एंड जो चिपसेट दिया गया है वो आपको Snapdragon 7S Gen 2 का मिलता है। एंड जो कैमरा है वो फ्रंट और रेयर दोनों ही साइड में बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बैटरी आपको जो है बैटरी पैक आपको 10,000 mAh का मिलता है, जिसको आप 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज कर पाएंगे। इसमें आपको 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, डॉल्वी विजन एंड डॉल्वी एटमॉस के, एंड स्टाइलस एंड कीबोर्ड का भी सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 22,990 रुपीज़। बट देखते हैं लॉन्च के बाद इसका प्राइस क्या सेट होता है। अगर इसका प्राइस 25,000 से कम रहता है तो काफ़ी अच्छा जो है ये पैड वर्क करने वाला है, और काफ़ी अच्छे जो है वो ये मार्केट में कंपटीशन बनाने वाला है। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।